धनबाद में हस्तशिल्प मेला का आयोजन। जिला परिषद मैदान में 23 राज्य के 100 स्टॉल पहुंचेंगे। धनबाद के जिला परिषद मैदान में हस्तशिल्प मेला का आयोजन शुक्रवार को धनबाद विधायक राज सिन्हा करेंगे, जिसको लेकर मेला कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस हस्तशिल्प मेला में 23 राज्य से 100 स्टॉल लगाया जाएगा, देश में बना हो। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन के कोविड संबंधित गाइडलाइन को पूरा पालन किया जाएगा। मेले में हर आने वाले को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया ताकि संक्रमण ना फैले। साथ ही कहा गया कि 23 राज्य से पहुंचने वाले दुकानदार लोगों को पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा। मेला का कल उद्घाटन समारोह है 2 तारीख को संध्या 5 बजे से। हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी के कर कलमों के द्वारा कल मेला का शुभ उद्घाटन होने जा रहा है और मेला 10 दिनों का मेला है। 11 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। कोरोना काल के कारण पिछले 1 वर्षों तक हमारे जितने मेले में लगाने वाले दूर दराज से आने वाले जितने भी स्टॉल धारक थे उनमें एक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो अभी कोरोना काल थोड़ा सा हल्का हुआ है तो उसको देखते हुए हम लोगों ने फिर से एक प्रयास किया है कि उन लोगों के लिए एक मेले का आयोजन धनबाद में, जो पिछले कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी मेले का आयोजन हम लोग जिला परिषद के प्रांगण में करें। 100 स्टॉल हम लोगों ने बना के रखा है जिसमें 80 लोगों ने आने की स्वीकृति दी है जो रास्ते पे है। मेरे ख्याल से कल वो सारे लोग पहुंच जाएंगे। जी हाँ, परमिशन हम लोग लेके SDO के माध्यम से जो राज्य सरकार का भारत सरकार का जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन आया हुआ है उसको हम लोग पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति इंट्री करेंगे मेले में उसको सैनिटाइज करना और उनके हाथ में उनको एक मास्क देना, ये हम लोग का प्राथमिकता रहेगी। हाँ, उसकी तो हम लोग इस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। जरूर हम लोग जो सरकार का और जो उपायुक्त महोदय का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे।